क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रेवल 24 मीटर एंड 64 मीटर इन द फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव इंटरवल ऑफ 4 सेकंड इज। फर्स्ट जब सेकंड 24 जब उसने ट्रेवल करी 4 सेकंड लगा, फिर 24 से 64 गए तो 4 सेकंड लगा, तो टोटल क्या होगा 8 सेकंड टाइम हो गया। इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी, इनिशियल वेलोसिटी बतानी है क्या होगी। ओके तो एस इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले जो डिस्टेंस वैल्यू हो 24 इक्वल टू फर्स्ट जो 24 डिस्टेंस उसने 12 ट्रेवल करी वो कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। फिर 24 से 64 डिस्टेंस जो ट्रेवल करी वो भी क्या होगी, 4 सेकंड्स में। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी इसकी, 88 मीटर। और टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस 80 और टोटल टाइम क्या हो गया इसका 8 सेकंड्स। तो 24 यानी कि 4 u प्लस हाफ इनटू में एक्सेलरेशन दोनों क्या क्या है सेम है, तो यहाँ पे a इनटू में 4 का स्क्वायर। तो 24 इक्वल टू 4 u प्लस हाफ a इनटू में 16 यानी कि 8a। तो 24 इक्वल टू 4 u प्लस 8a, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। या फिर हम किसको 6 इक्वल टू 2u या फिर हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 6 प्लस u प्लस 2a, ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन सेकंड। अब टोटल डिस्टेंस 80 मीटर ट्रेवल करी इसने 8 सेकंड्स में, तो इसके लिए लगाएंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस करी 88 मीटर। क्योंकि वैन बॉडी ट्रेवल टोटल डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस टोटल 88 मीटर और टोटल टाइम 8 सेकंड्स। फर्स्ट 24 मीटर ट्रेवल करने में 4 सेकंड लगा और फर्स्ट 88 मीटर ट्रेवल करने में 8 सेकंड्स इसने लगाया। तो 8 u प्लस हाफ इंटू में a इंटू में 8 का स्क्वायर। तो 88 इक्वल टू 8 u प्लस हाफ इंटू में ए इंटू में 64। तो 88 इक्वल टू 8 यू प्लस 32 ए। तो इसको जब 8 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 11 इक्वल टू यू प्लस 4 ए। ये क्या बन गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड, ये क्या हो गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को जब इक्वेट करेंगे हम, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेंगे इक्वेट करके हम क्या निकाल लेंगे, यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड से हमारे पास यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 1 मीटर पर।